हमीरपुर जिला के बड़सर की एक महिला ने गांव की दो युवकों पर दुष्कर्म करने का प्रयास करने के साथ साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने इस मामले में बड़सर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किए जाने और बड़सर विधायक के भी मामले में पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते पीड़ित महिला ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंप कर मामले में जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। कुलोहन पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी शिकायत को लेकर उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला। शिकायतकर्ता महिला ने युवकों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। महिला अंजना कुमारी ने बताया कि उसका पति राजदीप कुमार जेएनके में सेना में तैनात है। वह अपने घर में अकेली अपनी बच्चों के साथ रहती है। उसके साथ गांव जिदराणा के दो लोगों ने अश्लील हरकतें और रेप करने के बारे में 21 मार्च देर रात पुलिस थाना वर्सल में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन आज भी दोनों दोषी खुले में घूम रहे हैं और मेरे ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। स्थानीय विधायक है इस टाइम उन मुझे लगता है वो मुझे लगता नहीं है बट हम पुलिस थाना बड़सर में पीछे से जाते हैं और पहले उनकी कॉल जो होती है वो थाना में पहुंच चुकी होती है। वो बोलते थाना पुलिस वाले बोलते हैं कि आप एसपी से बात कर लीजिए, आपका केस जो है वो रजिस्टर करेंगे। और अब जो है इस केस को लेके भी जो स्थानीय विधायक है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपना केस वापस ले लो या इनसे समझौता कर लीजिए, कर लो। ठीक। वहीं पीड़िता की बहन ने बताया कि बड़सर पुलिस दोषी लोगों के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सर, मेरी ननद है जो जंदराना गांव में रहते हैं और जंदराना गांव में आए दिन वहां के लोग जो है मेरी ननद के साथ मारपीट करते रहते हैं। और अभी पिछले महीने मार्च 21 तारीख की बात है, उन लोगों ने आए दिन ये वो मारपीट तो करते ही रहते हैं। उन्होंने थाना में भी जैसे रिपोर्ट दर्ज की परंतु पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और उन लोगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने 21 मार्च को मेरी ननद के साथ वो जब गौशाला में गए तो उन्होंने रेप करने की कोशिश की उनको अकेला पाकर। वहां से दीदी पता नहीं किस तरह बड़ी मुश्किल से छूट के जब भागे तो उन्होंने हमें फोन किया कि मुझे बचा लो। और उस दौरान जो है हम लोग फिर मेरे हस्बैंड और दीदी मेरे वो थाना बड़सर में जाकर शिकायत दर्ज करवा कर आए। परंतु अब शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी आज 35 दिन हो गए हैं उन आरोपियों को, आरोपी दिनेश कुमार, सुनील कुमार, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है जबकि इन मामलों में कार्यवाही जो है वो बनती है। सर, लोकल विधायक जो हैं, हमें ये लग रहा है लोकल विधायक जो हैं वो पुलिस शायद उनकी तरफ से प्रेशर है तभी पुलिस जो है वो कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही है। अगर कार्यवाही की होती तो शायद इन लोगों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते और उन लोग वो गांव वालों की जो गांव वाले हैं उनकी जो महिलाएं हैं उस गांव की वो शायद दीदी पर दोबारा डंडों से हमला नहीं करते।